सो हेलो एवरी वन गाइज़, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो आज मेरा था वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि सुबह सुबह मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो मैंने ऑफिस से लिया वर्क फ्रॉम होम और मैं फटाफट से नहा कर आई। नहा के की मैंने पूजा और यहाँ पर उसके बाद मैं लेकर आई थी नीम कॉम, उससे मैंने फटाफट से किए अपने बाल कॉम और उसके बाद मैं कर रही थी आज घर से वर्क। तो मैं नहाई थी अप्रॉक्स 11 to 12 o'clock और फिर नहा के फटाफट से मैं हो गई रेडी। और फिर रेडी होने के बाद सबसे पहले सीधा मैं गई ऊपर छत पर कपड़े सुखाने, क्योंकि धूप थोड़ी अच्छी निकली हुई थी आज। वैसे धूप बहुत ड्रामा कर रही है आजकल, निकलती नहीं है इतना अच्छे से और यहाँ तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी हो रहा है, तो इस वजह से। और फिर उसके बाद मैं गई सबसे पहले ऊपर, ऊपर जाके मैंने फटाफट से कपड़े अपने सुखाए और अपनी रूममेट दीदी के कपड़े उतारे, क्योंकि वो गई थी ऑफिस, तो फटाफट से उनको लेकर मैं आई सीधा नीचे, क्योंकि मेरे को अपना ऑफिस का भी वर्क करना था और अपने और भी अदर वर्क्स करने थे। तो यहाँ पर फटाफट से आके मैंने रूम में दीदी के बेड पर रख दिए थे दीदी के कपड़े सारे। और फिर उसके बाद मैं जल्दी से गई यहाँ पर, साथ में मेरी टीवी भी चल रही थी, क्योंकि मूड मेरा बहुत ज़्यादा अपसेट था, बहुत ज़्यादा एकदम अजीब सा ही मन हो रहा था कुछ। और फिर यहाँ पर मैं वर्क भी कर रही थी तो मेरा लैपटॉप भी खुला हुआ रखा था। और फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाई, जो कि मैं डेली बनाती हूँ, जो कि मैं 2 डायरी अभी परचेज़ करके लाई थी क्यूट की ऊँची। और फिर उसके बाद मैंने अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर करी और फिर उसके बाद, क्योंकि इससे थोड़ा सा मोटिवेशन रहती है कि आज हमें पूरे दिन क्या करना है, कैसे करना है सब कुछ। और फिर उसके बाद जल्दी से मैंने अपनी डायरी भी, मैंने अपनी डायरी इसलिए बनाई हुई है क्योंकि मैं इसमें अपना डेली जो मुझे किसी से शेयर करना होता है, भाई आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी से कोई चीज़ शेयर करो, मेरे साथ ऐसा कोई भी नहीं है। सारी बातें हम मम्मी पापा से शेयर नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बात है। मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ मैं अपनी बहुत सारी जो ऐसी होती है मेरी कुछ चीज़ें जो मैं शेयर नहीं कर सकती, तो मैं उनको अपनी डायरी में लिखती हूँ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है और मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और यहाँ पर फटाफट से मैंने स्टिकी नोट पर अपना जो मेरा कुछ मुझे याद करने का या कुछ होता है ऐसा मोटिवेशन टाइप या कुछ भी, तो मैं वो लिख कर यहाँ अपनी अलमीरा पर उसे स्टिक कर देती हूँ और साथ में अपनी और भी अदर चीज़ों पर स्टिक कर देती हूँ। फिर उसके बाद मेरा मन बहुत अजीब हो रहा था, तो मैं सीधे गई यहाँ पर अपना लंच टाइम में, 2 बजे मेरा लंच टाइम हो गया था ऑफिस से, जलेबी लेने। और साथ में मैंने उसके लिए जलेबी, रबड़ी और साथ में एक प्याज कचौड़ी भी, क्योंकि मन बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा था और अब मैं इतना सारा ले तो आई बट उसे खाए कौन। बट हाँ, क्वान्टिटी ठीक ठीक थी, बट ठीक है। बट मैंने थोड़ा थोड़ा फिर शाम तक पूरे दिन अपना मस्त धीरे धीरे मैं खाती रही। यहाँ लाई थी मैं ये जलेबी और उसके बाद ये यहाँ थी रबड़ी और फिर रबड़ी के बाद ये थी इसमें कचौड़ी। और उस कचौड़ी वाले ने मेरे साथ कर दी बदतमीज़ी, कि उसने, मेरा मन था कुछ खट्टा और कुछ चटपटा खाने का, और उस बदतमीज़ ने इसमें सिर्फ मीठी चटनी डाली और मुझसे बोल दिया कि हाँ मैंने वो भी डाल दी, और इसमें ग्रीन चटनी नहीं निकली थी यहाँ कर। सो मेरे साथ हो गया बहुत बड़ा धोखा गाइस। तो यहाँ मैंने अपनी जलेबी रबड़ी एंजॉय करी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। इफ़ यू लाइक माय व्लॉग्स एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।